रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए 65236। डेट डालिए आज की 19 मई 2023। स्टार्ट टाइम डालिए 7:33 PM, 7:33 PM। इस समय आपकी एज कितनी है? 28 साल। 28 साल जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम सर जौनपुर रहते हैं। ठीक जी। ये आपको कितने साल पहले परेशानी शुरू हुई और क्या परेशानी शुरू हुई? सर लिखावट तो हम जब अच्छा 9th में थे, हाँ, तब से ज्यादा है। तब से ज्यादा है, दिक्कत हो रही है। अच्छा, 9th क्लास में आपकी एज रही होगी उस समय जी। आपको ये बीमारी लगभग 15 साल से है जी, जी। तो 10-12 साल के रहे होंगे तब से दिक्कत हुई। तो क्या दिक्कत हुई, सबसे पहले क्या दिक्कत हुई आपको 15 साल पहले, 16 साल पहले? स्लो हो गई थी। 16 साल पहले राइटिंग आपकी स्लो हो गई जी। फिर क्या हुआ? धीरे कंपन होता, धीरे धीरे दाहिने हाथ में कंपन होने लगा लिखते समय। और क्या परेशानी हुई? यही दिक्कत थी सर, यही दिक्कत थी। राइटिंग नहीं बनती थी, राइटिंग नहीं। 15 साल पहले ये दिक्कत थी जी। फिर इसके बाद और क्या परेशानी बढ़ी उसके बाद? उस समय आपकी एज थी लगभग 12 साल जी, जी। अच्छा, 12 साल में लिखने की परेशानी शुरू हुई, फिर बाकी और क्या क्या दिक्कत किस किस एज पे शुरू हुई? अगर ये और तो ये जो हाथ होता है सर, ये मतलब शुरू से ही, हाँ, पहले फैलता नहीं था, हाँ, इतना, हाँ, लेकिन अब तो फैलता है, लेकिन टाइट हो जाता है सर। टाइट हो जाता है और थोड़ा ऐठन रहती है जी, जी, पूरी तरह से जो है वो जो है पूरी तरह अलग नहीं हो पाती सारी उंगलियां जी, जी। ठीक है, बाएं हाथ में ये दिक्कत जी, रहती जी, है जी। और क्या परेशानी शुरू हुई इसके बाद? और तो सर यही हाथों में दिक्कत, थोड़ा बोलने में दिक्कत, थोड़ा बोलने में दिक्कत हुई। बोलने की दिक्कत भी 15 साल से ही है कि उसके बाद की है? शुरू से आज जो है क्लियर नहीं निकलती, 15 साल से ही। और कोई परेशानी? और तो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, इसके लिए आपने जो है वो किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जी? बनारस में इलाज करवाए हैं डॉक्टर, डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह। अच्छा, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। कब दिखाया था इनको? सर 2013 में। कितने दिन ट्रीटमेंट चला? लगभग 6 महीने चला था। इनकी दवा से कोई आराम हुआ था आपको? आराम तो कुछ खास नहीं हुआ था। अच्छा, उल्टा ही प्रभाव पड़ा। अच्छा, इसको साइड इफेक्ट ज्यादा हुआ। साइड इफेक्ट क्या हुआ? नींद आती थी, नींद आती थी। अच्छा, इन्होंने बीमारी क्या बताई थी? बोले एमआरआई करने को बोले थे, बोले थे न्यूरो में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, नाम नहीं बताए थे, क्लियर नहीं बता पाए थे। ठीक, उसके बाद फिर? उसके बाद तो पीजीआई में बाद दिखाए थे, एसजीपीजीआई में। वहाँ पे कब दिखाए थे? वो सर दवा नहीं चली थी। हाँ, डॉक्टर साहब का नाम क्या था जिनको दिखाए थे? डॉक्टर साहब ना कोई लेडी डॉक्टर थी। अच्छा, ट्रेनिंग थे। कितने साल पहले दिखाए थे एसजीपीजीआई में? पिछले साल, एक साल पहले, मई में लखनऊ में ही जी, जी। तो उन्होंने क्या बीमारी का नाम बताया? तो डिस्टोनिया बताया था। और ट्रीटमेंट क्या बताया था? ट्रीटमेंट वो एलोपैथ की दवा सब दी थी, लेकिन वो लिए नहीं सर, लिए नहीं। ठीक, तो आपको बारे में पता? अच्छा, हमारे बारे में जी, तो आपने हमको 27 जून 2022 को दिखाया जी। ठीक है जी। ठीक है, तो लगभग अब 11 महीने हो रहे हैं ट्रीटमेंट के। 11 महीने में क्या फर्क पड़ा है डिस्टोनिया में? जी, यही लिखावट जो कभी कभी ठीक हो जाती है, कभी कभी नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, कभी कभी लेकिन बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, और बोलने पे जो पहले जो मतलब मुंह में जो टेढ़ा, बोलने में सर पहले मुंह बहुत टेढ़ा होता, बहुत टेढ़ा होता था, अब मुझे लगता है कि बहुत कम हो गया है। जी, नॉर्मल होता है जी, अभी थोड़ा नॉर्मल है, नॉर्मल रहता है। ठीक है। अच्छा, राइटिंग में भी पहले से अब लिखने में आसानी रहती है? सुधार है। ठीक है, तो राइटिंग में भी सुधार है, बोलने में भी थोड़ा आवाज क्लियर है, और मुंह जो बहुत टेढ़ा होता था बोलने पे जी, जी। जो ओठ के चारों ओर, वो भी पहले से आराम है, आराम है। लगभग कितना आराम हो गया आपको 11 महीने में ओवरऑल? हाँ, पूरा ओवरऑल हमको लगता है तीनों मिला के सर हमको 40-50% 50% तक आराम लगता है। ठीक है, किस चीज में ज्यादा आराम है, जैसे लिखने में है या बोलने में, या जो है जो मुंह बहुत ज्यादा हिलता था उसमें, किस में आराम ज्यादा है? सर ज्यादा हमको थोड़ा बोलने में आराम लगता, बोलने में आराम ज्यादा लगता है। ठीक है, ठीक है। मुंह जो पहले बहुत ज्यादा बनता था, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट होता था, वो अब उतना नहीं है। ठीक ठीक, 50% तक आराम है। ठीक है। अच्छा, और कोई जैसे कोई चीज़ जिसमें अभी आराम नहीं हुआ है?
और थूको असम्य चीजों में आराम है। ठीक है, लिखिए आप।